मेरी माँ आज भी अनपढ़ ही है, रोटी एक मांगता हूँ और वो दो ला कर देती है। कुछ ऐसी ही होती है माँ। दोस्तों, माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना, कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को। उनके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। आज फिर गुजरा जमाना याद आता है, आज मुझे घर का खाना याद आता है। दिन भर की थकावट जब भूख में बदल जाती है, वो प्यार से माँ का खिलाना याद आता है। मेरी खातिर तेरी रोटी पकाना याद आता है, अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है। वो डांट डांट कर खाना खिलाना याद आता है, मेरे वास्ते तेरा पैसा बचाना याद आता है। कहीं हो जाए ना घर की मुश्किल मुझको मालूम, छुप कर तकलीफें तेरा मुस्कुराना याद आता है। जब आए थे तुझे हम छोड़कर परदेसी ओ मेरी माँ, मुझे वो तेरा बहुत आंसू बहाना याद आता है। जिंदगी के सफर में हम बहुत आगे निकल जाते हैं दोस्तों, जिंदगी के सफर में बहुत हम आगे निकल जाते हैं और इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि माँ का हाल पूछना भी भूल जाते हैं, एक फोन कॉल करना भी भूल जाते हैं। हम उस माँ को भूल जाते हैं जिसने हमको 9 महीने अपने गर्भ में रखा। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, तो याद रखिएगा, एक माँ ही होगी जो आपका हाथ थामे हुए होगी। दोस्तों, माँ हमेशा हमारी भला चाहती है, तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। उम्र कोई भी हो, चोट लगने पर पहला लफ्ज हमारी मुंह से माँ ही निकलता है। दोस्तों, जब हम बोलना नहीं जानते थे तो हमारे बिना बोले माँ हमारी बातों को समझ जाया करती थी, और आज हम जब बड़े हो गए हैं तो कहते हैं, छोड़ो माँ तुम क्या समझोगी, तेरे डिब्बे की वो रोटियाँ कहीं बिकती नहीं, महंगे होटलों में आज भी भूख मिटती नहीं, भरे घर में तेरी आहट मिलती नहीं माँ, तेरी बाहों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं माँ। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुसाला रेशमी, लेकिन लेकिन माँ तेरी गोद की गर्माहट कहीं मिलती नहीं। अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी बहुत सी ख्वाहिशें केवल माँ ही त्याग कर सकती है। दुनिया में सिर्फ माँ ही एक ऐसी है जो साल के 365 दिन बिना छुट्टी और पगार के काम करती है। फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया क्या कहती है, मैं खूबसूरत हूँ ये मेरी माँ कहती है। बचपन में माँ का चोट पर हल्का सा फूंक देना और कहना, बेटा अब बस ठीक हो जाएगा, वैसा मलहम आज तक नहीं बना। बहुत बुरा हो फिर भी उसको बहुत भला कहती है, अपना गंदा बच्चा भी माँ दूध का धुला कहती है। सीधा सीधा भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊं बड़ा माँ आज भी तेरा बच्चा। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में, 3 साल हाथ में और जिंदगी भर दिल में जगह दी, दोस्तों उस माँ की हमेशा कद्र करना, उस माँ की हमेशा इज्जत करना, उससे कोई अपशब्द ना बोलना, उससे हमेशा प्यार करना। दोस्त पूछते हैं कितना रुपए कमाया, पत्नी पूछती है कितना बचाया, बेटा पूछता है पिताजी आपने मेरे लिए क्या लाया, लेकिन एक माँ ही है जो पूछती है, बेटा तूने खाना खाया या नहीं खाया। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती।
बर्तन मांझ मांझ कर तीन चार बेटों को पाल लेती है माँ, लेकिन दुनिया की कड़वी सच्चाई यह है कि उन्हीं चार बेटे से एक माँ नहीं पाली जाती। माँ के कंधे पर जब मैंने अपना सिर रखा और पूछा, माँ कब तक यूं ही अपने कंधे पर सोने देगी? माँ ने कहा, बेटा तब तक जब तक कि लोग मुझे अपने कंधे पर नहीं उठा लेते। माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरे किए खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना ही खाना है और ना ही माँ है। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह हर बेटे तक पहुंच जाए। और अगर आपकी अपनी माँ से बहुत दिनों से बात नहीं हुई तो आज अपनी माँ को जरूर फोन कीजिए और उनका हाल खबर लीजिए, और माँ को जरूर कहिए, माँ आई लव यू। धन्यवाद।